पाकिस्तानी कोहे पैमा आसिफ भट्टी नांगा पर्वत कैंप पर फंस गए हैं रेस्क्यू के लिए। नांगा पर्वत पर फंसे कोह पैमा भट्टी नांगा पर्वत सर करते हुए फंस आसिफ भट्टी नांगा पर्वत में फंस गए हैं। पाकिस्तानी को पैमा आसिफ भट्टी नांगा पर्वत पर फंस गए। नांगा पर्वत सर करने की मुहिम के दौरान पहाड़ पर स्नो ब्लाइंडनेस का शिकार हो गए हैं और My name is आसिफ महमूद, एयर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ 2006 से, और पढ़ने पढ़ाने के अलावा पहाड़ों पे जाने का शौक़ है मेरा। इनफैक्ट ये यूनिवर्सिटी से ही स्टार्ट हुआ था प्रॉपर सेंस में, कि जब मैं एयर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को छोटे मोटे पहाड़ों पे लेके जाता था, साइट सीइंग भी करवाता था और उसको ट्रैकिंग भी करवाता था बिगनर लेवल की, और फिर विद पैसेज ऑफ टाइम उनका लेवल बढ़ गया तो उनको एडवांस लेवल के टूर्स भी कराए नांगा पर्वत बेस कैंप पे, राकापोशी बेस कैंप पे, वाखान कॉरिडोर और इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाई हैं। बट सर अल्हम्दुलिल्लाह आप वापस आ गए खैर खरीद से, और ये आपका वापस आना किसी कदर मौजदा से कम नहीं है। आपका नांगा पर्वत का प्लान कैसे बना और आप किस तरह से इसको सबमिट करना चाहते थे? ये तकरीबन 15 साल पुराना ड्रीम था कि मैंने नांगा पर्वत पर जाना है। नांगा पर्वत से मेरा इश्क और मोहब्बत और प्यार और इंसानियत से यहाँ से कर लें कि मैंने अपने बच्चों को मींस के अपने स्टूडेंट्स को नांगा पर्वत पे लेके जाना शुरू किया, और बाकायदगी से हर साल लेके जाता था। नांगा पर्वत के सारे बेस कैंप्स विज़िट किए, अराउंड नांगा पर्वत किया। एक ड्रीम थी कि काश मैं नांगा पर्वत के पहाड़ के चोटी के लिए भी कोशिश करूँ। तो ये कोई अचानक से वन फाइन मॉर्निंग मैंने नहीं डिसाइड किया कि मैं नांगा पर्वत जा रहा हूँ, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस था। तो एक स्टेज आई कि मैं समझा कि मैं अब नांगा पर्वत क्लाइंब करने की कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि नांगा पर्वत इटसेल्फ एक इतना बड़ा पहाड़ है कि ऐसा नहीं है कि आप उठें और उठ के जाके नांगा पर्वत सर करने की कोशिश करें। उसको ड्यू रिस्पेक्ट और ड्यू ट्रिब्यूट देना बहुत ज़रूरी है। इवन देन जो है ना, मैं समझता हूँ कि शायद नांगा पर्वत जाने की कोशिश को मैं जस्टिफाई नहीं कर पाया। बट सर सुना था कि आपने इसको सोलो सबमिट करने के लिए प्लान बनाया था और विदाउट सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन, क्या ऐसा ही है या आपने किसी कंपनी की कुछ सर्विसेज हायर की थी? नहीं, जहाँ तक सोलो की बात है तो एक पाकिस्तानी एक्सपीडिशन थी जिसमें साद मोहम्मद थे, जिसमें कर्नल अब्दुल जब्बार भट्टी थे और मैं था, और कर्नल अब्दुल जब्बार भट्टी साहब हमारे टीम लीडर थे, तो उनकी रहनुमाई में ही हमने प्लान किया था। तय ये पाया था कि जो जिसकी जितनी कैपेसिटी है जहाँ तक वो जा सकता है वो जाएगा, तो इसलिए उसमें सोलो के कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं। हाँ, एंड पे सिनेरियो ऐसा बन गया कि मैं सोलो ही उसको कंसिडर कर रहा था आपके कोशिश को। बट सर आप नांगा पर्वत बेस कैंप किस डेट को पहुँच गए थे और आपका जो क्लाइमेटाइजेशन प्रोसेस है वो कितने दिनों में कम्प्लीट हो गया था? इस्लामाबाद से मैं 8 जून को निकला और 9 जून की शाम को मैं ट्रैक पे था, और 10 जून को मैं नांगा पर्वत बेस कैंप पहुंच गया, क्योंकि मेरी टीम मुझसे पहले एक हफ़्ता पहले वहां पे पहुंच गई थी, जिसमें करण साहब और साद मोहम्मद पहले से वहां पे मौजूद थे। तो हमारे पाकिस्तानी एक्सपीडिशन का जो बेस कैंप है वो ऑलरेडी सेटल्ड था, तो उसमें जाके मैंने एक दिन रेस्ट किया और नेक्स्ट डे मैं अकेला ही कैंप बन गया और वहाँ पर रात गुजार के वापस आया था कि मैं बाकी टीम के बराबर हो जाऊँ एक्लिमेटाइजेशन में। तो आपकी जो एक्लिमेटाइजेशन है वो किस डेट तक कंप्लीट हो चुकी थी, कोई इसके बारे में कोई बता सकते हैं आप? एक्लिमेटाइजेशन इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस, वो चलता रहता है जब तक कि आप आखिरी कैंप वट एवर इट इज़ कैंप 3 और कैंप 4 जहाँ तक नहीं जाते और वापस आते, वो एक्लिमेटाइजेशन चलती रहती है। आप किसी भी पहाड़ पर समिट के अलावा, चोटी के अलावा, नीचे सारे स्टेजेस पे एक्लेमेटाइज होते हैं तब भी आप फुली परफॉर्म कर सकते हैं। जब हमारी टीम ने डिसाइड किया तो हमने मिल के कैंप 2 जाना था, तो कैंप 2 तो बाकी टीम तो 50% पार्ट उसने कवर किया, लेकिन मैंने ऑलमोस्ट 95% पार्ट कवर कर लिया था। किंचोफर वाल के नीचे से वापस आया था, हाल दो कि मैं लेट था 10 दिन बाकी टीम से, लेकिन इवन देन मैं बाकियों से ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा पहले एक्लिमेटाइज हो चुका था जहाँ तक बाकी टीम नहीं पहुँची थी। अच्छा बट साहब, इस दफ़ा आप जानते हैं कि 26 जून को फर्स्ट समिट हुआ जिसमें हमारे लोकल क्लाइंबर साजिद सतपारा ने विदाउट O2 क्लाइंब किया, क्रिस्टिन हरीला थी, इम्तियाज़ सतपारा, यूसुफ अली, एक मैक्सिकन फीमेल क्लाइंबर थी वर्दियाना,
अलवार्जे, बोलिवियन क्लाइंबर थे हुगो एवारी और शाहदौलत। इसके अलावा जो सेकंड समिट है जिसमें बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी क्लाइंबर्स को और इंटरनेशनल क्लाइंबर्स को कामयाबी मिली, और इसमें 32 क्लाइंबर्स थे। सेकंड ऑफ जुलाई, इसमें नायला कियानी, समीना बेग, वाजिदुल्ला, ईद मोहम्मद, अहमद बेग और ये सारे शामिल थे। आपने अपना समिट पुश जो है वो किस डेट को स्टार्ट किया था? मेरे साथ इशू ये हुआ कि हमें अचानक से उन्होंने डिसाइड किया और शाम को उन्होंने जो है ना वो समिट पुश करिए निकल के, तो मैं फिज़िकली और मेंटली तैयार नहीं था, मुझे एक दिन और चाहिए था। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि नेक्स्ट डे जब मैंने जाना है तो सब जो है ना ये सब ने इकट्ठे जाना है एनीवेज, तो उनको फॉलो करते हुए नेक्स्ट डे मैं अपनी तैयारी की और कैंप वन चला गया। कैंप वन पे रात की और फिर कैंप टू की तरफ मूव किया और सक्सेसफुली कैंप टू पे था। वन और टू के दरमियान में जो पोर्शन है उसके लिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक रोटेशन में जा चुका था, 95% ऑफ द कैंप टू मैं ऑलरेडी डन किया हुआ था एक्लेमेटाइजेशन पार्ट में, तो मुझे पता था कि क्या जो है ना वो इश्यूज़ आ सकते हैं या क्या एफर्ट चाहिए, तो उसके लिए वेल प्रिपेयर होके गया और मैं सक्सेसफुली कैंप टू पे पहुंचा। तो कैंप टू पहुंचने के बाद बल्कि बहुत सारे जो वहाँ पे मकामी कोपवा थे, इसमें लोकल जीबी के लोग भी थे, वो हैरान हुए कि आसिफ भट्टी साहब आप अचानक से वन फाइन मॉर्निंग कैसे उठ के आ गए, तो वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग यू। असल चीज़ ये है कि मेरे साथ कोई पोर्टर या कोई असिस्टेंस नहीं थी, अपना बैकपैक भी मैंने खुद उठाया हुआ था और सारी जो है ना वो एफर्ट और बर्डन के साथ मैंने सारी एफर्ट कंप्लीट की और सक्सेसफुली जो है कैंप टू पे पहुंचा। कैंप टू पे रात की रेस्ट किया और मेरा जो हाई एल्टीट्यूड पोर्टर था वो क्योंकि एफिशिएंट था, वो मुझसे पहले कैंप टू पे पहुंचा हुआ था, थोड़ा सा उसने अपने कंसर्न सब मेरे हाई एल्टीट्यूड पोर्टर ने शो किया कि मेरी कोई तबीयत कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन वो उसने कोई मेजर कंसर्न नहीं था, उसने कहा इट्स ओके, आई एम फाइन, आई एम गोइंग विद यू। तो कैंप टू से जब थ्री के लिए निकले, वहाँ पर अजरबैजान का एक क्लाइंबर था इसराफील, जो कि मेरा पुराना दोस्त है, पिछले 2-3 साल से हम इकट्ठे क्लाइंब करते हैं, तो वो भी मेरे साथ साथ था, रादर मुझसे पीछे था रास्ते में, जहाँ तक मुझसे हो सका मैंने उसके पानी और कोक के साथ जो है ना वो हेल्प की। तो असिस्टेंस के बाद जब हम कैंप थ्री पे पहुँचे तो मैं बड़ा एफिशिएंट था, मेरे पोर्टर ने फिर कहा कि आल्दो कि उसने कैंप थ्री पे मेरे पोर्टर ने मुझे पानी बना के दिया और फूड प्रिपेयर करने में मेरी हेल्प की, लेकिन उसने कहा कि मेरे कोई तबीयत को खास नहीं है, लेकिन आप जाएं मैं आपके पीछे आऊँगा। तो कैंप थ्री से कैंप फोर के लिए जब निकले तो मेरा पोर्टर वहीं पर रुक गया, उसने कहा मैं बाद में आऊँगा और मैं खुद कैंप फोर के लिए निकल पड़ा। अब ये था कि कैंप फोर पे जाने के लिए, वहाँ पे कैंप फोर इस्टेब्लिश करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी, कैंप स्लीपिंग बैग, एमरजेंसी ऑक्सीजन, ये इनमें से कुछ भी मेरे पास नहीं था, वो मेरे पोर्टर ने मेरे पास मेरे लिए ले के आना था। तो इन हालात में जब मैंने सारी रात ट्रैवल किया अकेले, तो मूनलाइट में और थोड़ी सी ब्लिजर्ड भी चली, तो जिसकी वजह से ना मुझे मेरा विजन क्लियर नहीं था, तो मैंने अपने ग्लासेस उतारे, मेरे सामने थोड़ी से टाइम के बाद जो है ना सारी चीज़ें ब्लरी होना शुरू हो गई, तो विजन इतना ब्लर हो गया कि मुझे रेड और येलो में सिर्फ हार्डली ये डिस्टिंग्विश कर सकता था कि ये रेड कलर है और ये येलो कलर है, लेकिन ये चीज़ क्या है वो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। तो अपनी इन सिम्टम्स को जहन में रखते हुए मैं एनीवे कंटिन्यू किया, कैंप फोर पे पहुंचा, तो जो इसराफील था वो पहले से कैंप फोर पे मौजूद था, वो मेरी हालत देख चुका था, तो उसने मुझे अपने टेंट में बिठाया, छोटा सा टेंट था, उसमें एक और फार्नर भी उसने अपने साथ रखा हुआ था जो कि बैड शेप में था, तो उसकी हेल्प कर रहा था, तो साथ में मुझे भी अपने टेंट में बिठाया, मुझे पानी शानी पिलाया, तो मेरी सिचुएशन पूछी, तो मैंने बता दिया कि मैं स्लो ब्लाइंडनेस का शिकार हूँ और मुझे हेल्प चाहिए, हेल्प इन कॉन्टेक्स्ट मैंने रब्ता करना है बेस कैंप पे। तो बेस कैंप पे किसी मेरे अपने बेस कैंप नहीं, किसी और बेस कैंप से मेरा रब्ता हुआ, तो उनको मैंने इन्फॉर्म किया कि मुझे हेल्प चाहिए। तो बस इतना बताने के बाद जब क्लियर हो चुका था कि मेरा विजन क्लियर नहीं है, तो मैं वहाँ पे सो गया और मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं इससे आगे नहीं जाऊँगा। फिज़िकली आई वॉज़ फाइन, आई वॉज़ फिट, लेकिन जो चीज़ें इंग्रेडिएंट थी लाइक फूड, जेट बॉयल्ड टू मेक वाटर, लाइक स्लीपिंग बैग, इनमें से कुछ चीज़ मेरे पास नहीं थी। इस रफील के टेंट में रह रहा था, किसी और ने मुझे फूड दी,
किसी और ने मुझे सोने का अरेंजमेंट करके दिया तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो इन हालात में आगे जाना तो का तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता था, हमने वापस ही आना था। तो इवन देन मुझे वापसी के लिए ना हेल्प चाहिए थी, क्योंकि मेरा विजन क्लियर नहीं था और मुझे कुछ साल पहले जो टॉमिक के साथ जो इंसिडेंट था वो मेरे क्लियर माइंड में था कि अगर मैं खुद से कोई डिसीजन लूँगा तो वो मेरे लिए गलत हो जाएगा। तो बेस कैंप का फिर ये इशू बना है कि वहाँ से हेल्प आने में बहुत टाइम लग गया। मैं तकरीबन सुबह 4 बजे के करीब कैंप 4 पे पहुँचा था। कैंप 4 वाज अराउंड जस्ट अबव 7300 मीटर्स। तो वहाँ पे फिर मैंने पूरा दिन सोया, रेस्ट किया, इवन रात भी, अगली रात भी पूरी रेस्ट की, क्योंकि मुझे असिस्टेंस का वेट था। तो असिस्टेंस का भी बस सिर्फ यही था कि आ रहा है। और मीनवाइल जब मैं ने तकरीबन 24 घंटे कैंप 4 पे गुजारे तो मुझे हेली की आवाज़ भी एक दफ़ा आई। तो मुझे नहीं पता था कि ये क्यों हेली की आवाज़ आ रही है। एनीवेज ये था कि नीचे कुछ ना कुछ मेरे लिए हेल्पफुल एक्टिविटी हो रही होगी, तो उसके इंतज़ार में मैं बैठा हुआ था वहाँ पे। कैंप 4 में जैसे कि आपने बताया कि बहुत ज़्यादा आपको टाइम स्पेंड करना पड़ा, आपने उस दौरान अपनी एनर्जी को कैसे मेंटेन किया और आपको वहाँ पे हेल्प कैसे मिली? हाई अल्टीट्यूड पे विदाउट ऑक्सीजन ज़्यादा देर रुकना खुद मौत को दावत देने के बराबर है। तो वो एक मुश्किल काम था, लेकिन मेरे पास उसके अलावा कोई चारा नहीं था। ठीक है, तो एनर्जी मेंटेन करने का ये है कि मैंने फिर ज़्यादातर वक्त सो के गुजारा, जो कि वैसे प्रैक्टिकली मेडिकली हाई अल्टीट्यूड के स्टैंडर्ड नॉर्म्स के मुताबिक कोई एडवाइजेबल चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी, मैंने उधर ही रुकना था। तो कैंप 4 से कैंप 3 तक आप कैसे पहुँचे और आपको कहाँ से हेल्प मिली? अब क्योंकि मैं विदाउट ऑक्सीजन था, देखें अगर कोई फिट क्लाइंबर है तो समिट करने के बाद कैंप 3 तक आना और इवन कैंप 2 तक आना कोई बड़ी बात नहीं है। और ये सारे उस केस में है कि आप जो है ना ऑक्सीजन के साथ सारी एक्टिविटी कर रहे हैं, जिसकी वजह से कैंप 4 से कैंप 3 आते आते तकरीबन मुझे 12 घंटे लग गए। कैंप 4 में आपके साथ एक और भी क्लाइंबर से पोलिश क्लाइंबर जिनका नाम है पॉल कोपिक, जिनकी कंडीशन फिज़िकली काफ़ी ज़्यादा डिटेरियोरेट हो गई थी और उनकी वहाँ पे डेथ भी हो गई, और ये वाकया भी डेफिनेटली आपके सामने का ही होगा। तो ऐसी सूरत हाल में क्या कोई माइंड में आया कि मैं अपने फैमिली के लिए कोई मैसेज रिकॉर्ड कर दूँ, कोई वीडियो रिकॉर्ड कर दूँ, कुछ कह लूँ अपनी फैमिली के लिए? नहीं, मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे किसी भी स्टेज पे कोई ऐसा जहन में डर या खौफ नहीं आया कि मैं जो है ना डेथ जोन में होने के बावजूद डेथ की तरफ जा रहा हूँ। मेरे साथ मेरे माँ बाप की दुआएं थी और मेरा अपना पास्ट एक्सपीरियंस था और डिटर्मिनेशन थी, और मुझे पता था कि मैं अगर ये स्नो ब्लाइंडनेस नहीं होती, फ्रॉस्ट बाइट या बाकी चीज़ें जो है ना मेरे लिए सेकेंडरी हैं, मैं इंशाल्लाह नीचे तक चला जाऊँगा। तो मैं किसी भी स्टेज पे खौफ में मुबतला नहीं हुआ कि मैं यहाँ पे परमानेंट रह रहा हूँ, फिजिकली और मेंटली तैयार था। व्हाट्सएप डिसेंडिंग के थर्ड डे 6 जुलाई जब आप कैंप 2 की तरफ आप जा रहे थे, कैंप 3 से कैंप 2, आपका रेस्क्यू के लिए फजल अली और मोहम्मद यूनस जो है वो बेस कैंप से सुबह 8 बजे निकल चुके थे, तो आपको कहाँ पे इनकी सपोर्ट मिली, आप ये लोग आपको कहाँ पे मिले? कैंप 3 पे मेरी इनसे मुलाकात हुई, और कैंप 3 पर पहुँचने से पहले यूनस मेरे पास आया, उसने मुझे खुशखबरी सुनाई कि हम आपकी हेल्प के लिए आए हैं, उसने मुझे पानी दिया, उसने मुझे कोक दी और उसने मुझे ऑक्सीजन लगाई और धीरे धीरे मुझे कैंप 2 पे लेके आया जहाँ पे हमने नाइट स्पेंड की। 7 जुलाई को भी सुनने में आया था कि रेस्क्यू जो है वो स्टार्ट होने वाला है, जिसमें 7.5 और भूगो अबारी थे जो कि एक प्रोफेशनल गाइड और रेस्क्यू एक्सपर्ट हैं, IFMGA से सर्टिफाइड हैं, लेकिन बैड वेदर की वजह से अनलकीली जो है वो रेस्क्यू की तरफ मूव नहीं कर पाए और आपको सपोर्ट नहीं मिल पाई। कैंप 2 से बेस कैंप तक आपको आने में कितना टाइम लगा और उसमें आपकी एनर्जी की क्या कंडीशन थी? कैंप 2 से सुबह हम अर्ली आवर्स में भी अराउंड 5 और सो हम निकले हैं, रात को कोई 8-9 बजे के करीब हम बेस कैंप पे पहुँचे हैं। तो ये ऑलमोस्ट हमें कोई मोर देन 12 आवर्स ये एक्टिविटी थी। एक एक स्टेप मेरे लिए बहुत मुश्किल था और यूनुस ने मेरी बहुत मदद की है, यूनुस ने मुझे एक एक स्टेप पे टेंडम रिपेल करवाई है। जब बड़े साहब बेस कैंप पहुँचे तो उस टाइम बेस कैंप में कौन कौन अवेलेबल था? बेस कैंप पे जाहिर है मेरे जो टीम लीडर हैं, जो मेंटर हैं, कर्नल अब्दुल जब्बार भट्टी मेरे उस्ताद हैं, वो थे, और बाकी मेरे बेस कैंप का जो जितना भी स्टाफ था
और उसके अलावा लोकल गवर्नमेंट के कुछ लोग भी वहाँ पे आए हुए थे, उनका मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करूँगा, जिसमें डिप्टी कमिश्नर के रिप्रेजेंटेटिव थे, नायब तहसीलदार और कोई हेल्थ ऑफिसर था और कोई मेडिकल असिस्टेंट था। तो ये सारे लोग जो है ना यहाँ पे एफिशिएंटली मेरा वेट कर रहे थे। बट सर, आपकी हिम्मत को दाद देनी बनती है, क्योंकि कैंप 4 से बेस कैंप तक ऐसी कंडीशन में जहाँ पे स्नो ब्लाइंडनेस हो चुकी हो, एनर्जी में आप पूरे ड्रेन हो चुके हों, और आपके पास सप्लीमेंटल ऑक्सीजन यानी कि आपके पास डाइट के लिए भी कुछ अवेलेबल ना हो, बेस कैंप तक पहुँचना, ये इंतहाई इनक्रेडिबल जॉब है। ये नो डाउट इसमें इसराफीत को क्रेडिट बनता है जिसने थ्रू आउट आपका साथ दिया और आप खैर खैरियत से अपनी फैमिली के पास पहुंचे। बट सर, जब आप अपने वापस घर पहुंचे तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? वापस जब मैं घर पहुंचा तो सुबह 4 बजे का वक्त था, बच्चे सो रहे थे, उनमें से एक बच्चा जो बड़ा बच्चा है मेरा बेटा वासिफ, जिसने इंटरव्यू भी दिया और सोशल मीडिया पे और काफ़ी उसकी इम्प्रेशन भी गया है, जिसके वजह से गवर्नमेंट तक के हाई अथॉरिटीज स्पेशली इवन वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक ने उस चीज़ को नोटिस लिया। मेरी वालदा मेरे जो सारी रात मेरा वेट करती रही हैं, जागी ही नहीं थी, वो मुझे मिली हैं, गले लगा के मिली हैं, रोई हैं, खुश हुई हैं। अच्छी चीज़ ये है कि मुझे मेरी माँ की दुआओं और बीवी बच्चों के जो सपोर्ट और मोहब्बत थी वो मुझे वापस ज़िंदा लेके आई है। और साहब, इसराफील के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जिसने अपना जो मिशन है वो अपने पोलिश दोस्तों की वजह से अबॉर्ड किया, और जबकि वो उस दोस्त भी सर्वाइव ना कर पाया और उसकी डेथ हो गई, और आपको थ्रू आउट उसने सपोर्ट किया, रेस्क्यू किया, तो इसराफील के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली इसराफील बहुत सारे स्टेजेस पे, इसराफील ने आधा आधा घंटा मेरा सारी रात वेट किया है और हर स्टेज पे वेट किया है। तो इसराफील के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि मेरे साथ साथ चल रहा था और मेरे पीछे पीछे इसराइल चल रहा था, तो अगर इसराफील मुझे छोड़ जाता तो इसराइल मुझे ले जाता। अच्छा भाई साहब, आपको अपने देखने और सुनने वालों को आपको कोई ऐसा मैसेज देना चाहें, उनको अगर 8000 मीटर माउंटेन अगर समिट करनी है तो किस तरीके से इक्विप होकर जाना चाहिए और क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए? एक तो क्लासिकल अप्रोच है कि आपने विदाउट ऑक्सीजन जाना है, ज़्यादातर सामान खुद उठाना है और कोई ख़ास असिस्टेंस नहीं लेनी, ऑर्थोडॉक्स अप्रोच कह लें या जो भी कह लें, तो वो अप्रोच तो आजकल के दौर में ऑब्सोलीट हो गई है, वो फॉलो नहीं होती। सो दैट मींस कि आपको अच्छे खासे फंड्स चाहिए अपने इक्विपमेंट के लिए और अपने बेस कैंप सर्विसेज के लिए और अच्छी टीम के लिए जो कि आपको लेके जा सके, और ये उसी सूरत में होगा कि जब आपके अंडर द बेल्ट यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग एंड क्लाइंबिंग। सो गो फॉर योर आइस क्लाइंबिंग ट्रेनिंग, प्रॉपर एक्सपोजर एक्सपीरियंस, अगेन एंड अगेन गो टू हाई एल्टीट्यूड सो दैट योर ब्रेन नोज हाउ टू रिएक्ट व्हेन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट इज देयर। बट सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम दिया। गो कि अभी आपकी सेहत भी ठीक नहीं है, आपको वीकनेस भी काफ़ी ज़्यादा है, अल्लाह ताला आपको जल्द सेहत याब करे और आपकी जो पहाड़ों से मोहब्बत है वो जारी व सारी रहे और आप अपने गोल जो है फ्यूचर में अचीव कर पाएँ। थैंक यू एक्सप्लोर एंड एक्सपेक्ट, और खालिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया और ये सारी अवेयरनेस जो है ना पब्लिक में और न्यू जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि उन्हें पता चले कि क्या एक्सट्रीम कंडीशंस हो सकती हैं और क्या क्या हैजर्ड्स हो सकते हैं और किस तरीके से आपने अपने आप को तैयार करना है। तो इवन ये तैयारियाँ तब तक काफ़ी नहीं होती जब तक आप खुद अपने आप को किसी मुश्किल में डाल के और एक्सट्रीम कंडीशन से गुजर के नहीं आते, तो वो एक्सपीरियंस आपको चाहिए, तो एक्सपीरियंस जब तक नहीं लेंगे किसी बड़े पहाड़ पे जाने का ना सोचें। थैंक यू सो मच ब्रिटिश साहब, मैं लास्ट में बताना चाहूँगा कि ब्रिटिश साहब मेरे माउंटेन फील्ड में टीचर भी हैं, क्योंकि मैंने उनसे बहुत सारा सीखा है, तो ऑफ एंड ऑन हमारे जो है वो ट्रैक होते रहते हैं। लास्ट ईयर भी हमने एक जो पीक है वो हमने सबमिट की थी कटे, तो थैंक यू सो मच ब्रिटिश साहब।